दोस्तों, संबित पात्रा प्रवक्ता ना होकर ऐसा लगता है जैसे कोई मदारी खेल दिखा रहा हो। जब डिबेट होती है तो यह मदारियों के जैसा उछल उछल कर खेल दिखाना चालू कर देता है। यह अपना डिबेट में तो बोल लेता है, पर जैसे ही दूसरा प्रवक्ता बोलने लगता है तो संबित पात्रा के पेट में दर्द चालू हो जाती है, तो वह दूसरे प्रवक्ता को बोलने नहीं देता है। पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की मुट्ठी में है। बैठ के घर ये पे बैठ के नाटक G23 कर रहे हो। आपकी कुछ पार्टी के पढ़ रहे हो, नेताओं पढ़ ने रहे भी हो, कुछ कहा पढ़ है। जी जवाब देना चाहूंगा। G23 अरे आपकी पार्टी के नेता में है ना। अध्यक्ष आया है, 2 करोड़ हस्ताक्षर करके उसका लाया जवाब है। दे दूं, 2 करोड़ मैं जवाब हस्ताक्षर दे दूं। कर लिया। अरे डॉक्टर बीच में मत बोलिए, मैं भी बीच में बोलूंगा। फिर आपके नहीं पड़ेगा कुछ पल्ले मत पल्ले, बोलो, आप क्योंकि बोलो। आपको देख के जो दुनिया का सबसे बड़ा गिरगिट है वो भी पल्ले, आत्महत्या कर पल्ले, रहा पल्ले, है। थले, जो थले झूठे किया तो हो, यह 5 दिन जो तक दुनिया पल्ले, का पल्ले सबसे क्या बड़ा करेंगे? झूठ है, जो नहीं बोलूंगा बोलेगा उसे कोई कोई पल्ले करना पल्ले है। पल्ले नहीं, पल्ले नहीं कोई पल्ले हो गया पल्ले, पल्ले कितना पल्ले बोलोगे? पल्ले पहले ये बोलो, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला की उंगली ठीक है कि पल्ले नहीं? ये 2 करोड़ सबसे बड़ा हस्ताक्षर, बाप वो भी रे, तुमको 2 करोड़ इनको वोट मिले नहीं है? 2 करोड़ हस्ताक्षर करके ही आए हैं। अरे राजनाथ जी से पूछिए जरा, ये 2 करोड़ हस्ताक्षर किसने किए? एक किसान का नाम बताओ जरा, किसी का पैन कार्ड दिखाओ जरा, किसी का फोन नंबर लाओ जरा, कुछ नहीं है। ना फोन नंबर है, ना पैन कार्ड है, ना किसी के हस्ताक्षर है। 2 करोड़ हस्ताक्षर करके लाए। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए। 2 करोड़ सिग्नेचर में कितने पेपर्स, कितने पेपर्स हुए? 2 करोड़ सिग्नेचर्स का मतलब है, ये कई लोग सवाल पूछ रहे हैं वैसे रोहन जी, कि 2 करोड़ लोगों के सिग्नेचर्स। अंजना जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर साहब है, पर कौन सी डिग्री है जरा बाद में चेक करेंगे। पर जो 2 करोड़ सिग्नेचर के पीछे बता दूं कि हमारे जो, अरे भैया आपकी सोनिया गांधी जी से अच्छी डिग्री है, आपकी सोनिया जी और आपके राहुल जी से और आपकी दीदी से करो, ये ड्रामा मत करो डॉक्टर। अरे सुनिए भैया, डॉक्टर है, आपकी डिग्री तो पात्रा में आऊंगी आपसे जवाब लेने, रोहन गुप्ता जी बोलने में आपसे आऊंगी जवाब लेने। ये करेंगे तो ये डिबेट में यही होगा। फिर प्लीज समझिए, प्लीज देखिए अंजना जी, ये डॉक्टर जानते हैं कि अगर ड्रामा करेंगे तो मैं उससे ज्यादा करूंगा। दो करोड़ चुपचाप बैठिए, कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार की। अंजना जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए अंजना जी, जो परिवार की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक समय याद दिला दूं, 1998 का, जब कांग्रेस सिबटकर सिर्फ 4 स्टेट में रह गई थी। तब सोनिया जी, तब हमारे पास गांधी परिवार के पास सत्ता नहीं थी, तब सोनिया जी ने उस चैलेंज को लिया और 2004 में हर केडर को एनर्जाइज किया। 6 साल में हम सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। आप कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? हमेशा जो परिवार है उन्होंने गाइडिंग फोर्स का काम किया, और जब भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ पड़ी कांग्रेस पार्टी को मदद करके सत्ता में लाए। कहा गांधी परिवार नहीं बनने के पीछे क्या कुछ हुआ था, याद है आपको? जवाब देते, लालच ये है रोहन जी, पता नहीं तब आप आते थे कांग्रेस में क्या हुआ था, याद है? बहुत बड़ी चीज है, इतना बड़ा बलिदान, मैं बिल्कुल एक्टिव था, मैं आपको बता रहा हूँ। आज किसी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना बहुत छोटी मार ही डालेंगे। शरद पवार वहाँ पे सामने देखिए, प्रधानमंत्री शरद पवार किस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ कर गए थे बताइए। डॉक्टर साहब, और आखिरी बात, मैं 2 करोड़ मैं और सब लोग आज साथ में हैं, क्यों है? अलग पार्टी है उनकी, पार्टी क्यों छोड़ी थी? सत्ता में उसके पीछे सोनिया जी का, सोनिया जी का योगदान था उसमें, याद है आपको? पे जो भी मुद्दे रहे हो, सोनिया जी ने कांग्रेस की जो सरकार है यूपीए की, आज कांग्रेस की सरकार सोनिया जी के उसमें अध्यक्षता में बनी, और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। उन्होंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? उनको लगता था कि मुझे अगर साझा सरकार है, मुझे देश को अच्छी सरकार देनी है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ये छोटी चीज नहीं है अंजना जी, हम बार बार बात कर रहे हैं, और 2 करोड़ सिग्नेचर की बात कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, पत्ते गिनते रह जाओगे, क्यों आज आपकी सरकार ने रोका? हम तो ट्रक लेके आ रहे थे, चैलेंज कर रहा हूं, कल वापस भेजिए, हम वापस 2 करोड़ सिग्नेचर भरते हैं। आपके जैसे डॉक्टरों को बिठा दो, कम से कम कुछ तो काम करें देश के, ऐसे भी बेरोजगार घूम रहे हो आप लोग, बैठ के